गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम ऑफ एनएफ टर्म्स ऑफ द स्पेशल सीरीज। नाउ जब कोई सीरीज दिया हो तो सबसे पहले हम लोग उस सीरीज के बारे में जांच करते हैं, जैसे जब वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो उस पोजीशन में सम ऑफ एनएच टर्म निकालने के लिए एन बाय टू इंटू ब्रॉकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का उपयोग करते हैं। एक और फार्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रॉकेट ए प्लस एल वेयर एल इज द फर्स्ट टर्म एंड एल इज द लास्ट टर्म। इफ द सीरीज इज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन दैट केस वी यूज द फार्मूला एस एन, वी यूज द फार्मूला एस एन इक्वल टू ए आर टू दी पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। विथ द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैलकुलेट द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जी पी। बट इन द सीरीज इज इन द एच पी हार्मोनिक प्रोग्रेशन इन दैट केस सम ऑफ एन टर्म्स एस एन इक्वल टू वन बाय डी एल एन इंटू ब्रॉकेट टू ए प्लस टू एन माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाई टू ए माइनस डी। विथ द हेल्प ऑफ दिस वी कैलकुलेट द सम ऑफ एन एच टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। नाउ आफ्टर दैट इफ वी टेस्ट या वी सी द सीरीज एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द एन एच टर्म्स ऑफ द सीरीज। आफ्टर दैट टू कैलकुलेट द सम ऑफ एन टर्म्स इन दिस सेंस। नाउ हियर इन द प्रीवियस वीडियो वी सी सम प्रॉब्लम डिस्कस फर्स्ट सेकेंड थर्ड। टूडे फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज हियर फोर्थ प्रॉब्लम्स दैट इज फोर्थ। नाउ एन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज फोर्थ वन इंटू टू टू द पावर टू प्लस टू इंटू थ्री टू द पावर टू प्लस थ्री इंटू फोर टू द पावर टू प्लस डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द एन एच टर्म ऑफ द सीरीज एन एच nth term of the series tn equal to nth term of nth term of 1 2 3 dot dot this into nth term of two के power टू into थ्री के power टू फोर के power टू and so on. Now here
tn इक्वल टू एन एट टर्म ऑफ द सीरीज दिस इज इन एपी एंड tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी सो दैट हियर वन टू थ्री इट मीन्स दैट एन एट टर्म इज n. If we apply this formula, that is here 1, n minus 1 into 1, this is 1 plus n minus 1, is that is also n. Yeah, simply 1, 2, 3, nth term is n, and nth term of this 2, 3, 4, this is in AP, so that nth term of this a plus n minus 1 into d equal to 1 to the power 2 here, so that n, and this is equal to 2 plus n minus 1 to the power 2, this is equal to n, n plus 1 to power 2. Now n a plus b to the power 2, that is equal to n square plus 2n plus 1, multiply this n cube plus 2n square plus n, so that this is equal to n cube plus 2n square plus n here. Now sum of n terms of given series, sum of n terms of given series, n terms of given series Sn equal to summation of Sn equal to summation of k to the power 1 to n, k to the power n to n, that is a tk. This is equal to summation of k equal to 1 to n tk. It means that here k cube plus 2k square plus k. Now separate this. This is summation of k equal to 1 to n k to power 3 plus 2, summation of k equal to 1 to n k square plus, this is summation of k equal to 1 to n, this is equal to k. Now this means that 1 to power cube, 2 to power cube, 3 to power cube, with the help of this, this is equal to n, n plus 1 divided by 2 to the power 2, and this is 2. K square means 1 square plus 2 square plus 3 square, that is equal to n, n plus 1, 2n plus 1 divided by 6, and this summation of k, k means 1 plus 2 plus 3, it means that n plus n, n plus 1 by 2. Now we solve it here. We take common n, n plus 1 by 2, n, n plus 1 by 2, n, n plus 1 by 2, so that n, n plus 1 by 2 here, n, n plus 1 by 2 here is square r, so that here n, n plus 1 by 2 remains
एंड नाउ वी आर इन दिस केस एन एन प्लस वन बाई टू, सो दैट हियर टू बाई थ्री, एन एन प्लस वन बाई टू, टू बाई थ्री, एंड दिस इज टू एन प्लस वन, एंड इन दिस केस एन एन प्लस वन बाई टू, सो दैट हियर ओनली वन रिमेन्स. नाउ एन एन प्लस वन बाई टू, हियर वी टेक एलसीएम सिक्स, इन दिस केस टू थ्री या सिक्स, टू थ्री या सिक्स थ्री, सो दैट थ्री थ्री एन स्क्वायर, इन दिस केस थ्री थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री एन, थ्री टू या सिक्स टू, थ्री टू या सिक्स टू, टू टू या फोर, टू टू या फोर, फोर टू या एट, एट एन प्लस फोर, एंड हियर सिक्स, हियर हियर रिमेन्स द सिक्स. नाउ एडिंग दिस वी राइट हियर एस एन इक्वल टू एन एन प्लस वन बाई टू, एन एन प्लस वन बाई टू, एंड इन दिस केस थ्री एन स्क्वायर, इन दिस केस थ्री एन स्क्वायर प्लस, नाउ थ्री एन स्क्वायर प्लस एट थ्री अलेवन एन प्लस सिक्स फोर टेन डिवाइडेड बाय सिक्स. नाउ वी फैक्टराइज दिस थ्री एन स्क्वायर प्लस अलेवन एन प्लस टेन, टेन थ्री या थर्टी, सिक्स फाइव या थर्टी, थ्री एन स्क्वायर प्लस सिक्स एन प्लस फाइव एन प्लस टेन, टेकिंग कॉमन थ्री एन, हियर एन प्लस थ्री टू या सिक्स प्लस फाइव एन प्लस टू. नाउ वी टेक एन प्लस टू कॉमन थ्री एन प्लस फाइव हियर, इन दिस केस नाउ वी राइट हियर एन एन प्लस एन एन प्लस वन, एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू सिक्स या ट्वेल्व इंटू दिस इज इक्वल टू एन प्लस टू, एन प्लस टू एंड थ्री एन प्लस फाइव, थ्री एन प्लस फाइव, दिस इज एन 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 प्लस वन एन प्लस टू एंड थ्री एन प्लस फाइव डिवाइड बाई ट्वेल्व, दिस इज आवर रिक्वायर्ड रेट, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज. नाउ सेकेंड, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम फाइव हियर. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, वन इंटू एन, टू इंटू एन माइनस वन प्लस थ्री इंटू एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट एन माइनस वन इंटू टू प्लस एन इंटू वन हियर, इन दिस केस, इन दिस केस लेट अस सपोज दैट टी आर इज द आरएफ टर्म ऑफ, लेट अस सपोज दैट
टी आर इज द आरएथ टर्म ऑफ गिवन सीरीज, आरएथ टर्म ऑफ गिवन सीरीज टी आर इक्वल टू आरएथ टर्म ऑफ आरएथ टर्म ऑफ वन टू थ्री डॉट 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 इनटू एन आरएथ टर्म ऑफ एन एन माइनस वन एन माइनस टू दिस नाउ आरएथ टर्म ऑफ दिस इज आरएथ टर्म वन टू थ्री डॉट डॉट आरएथ टर्म इज ओनली आर इनटू आरएथ टर्म ऑफ दिस n n minus 1 this is in AP so that tn is equal to a plus n minus 1 into d on the basis of this formula a is in this case n plus n minus 1 into d so that n minus 1 a plus r minus 1 in this case r minus 1 into d that is a minus 1 here so that this will be now r and this is n minus n minus r plus 1 so that this is n minus r plus 1 now we multiply here n plus 1 n plus 1 into r n plus 1 into r minus r square n plus 1 into r minus r square so that required sum is so that required sum equal required sum equal to r equal to 1 to n tr it means that 1 to it means that r equal to 1 to n tr means n plus 1 r minus r square this can be written as n plus 1 summation of r equal to 1 to n r minus summation of r equal to 1 to n r square and here r equal to 1 to n and 1 plus 2 plus 3 this is equal to n plus 1 1 plus 2 plus 3 it means that n n plus 1 by 2 and this is r square to 1 and 1 square 2 square 3 square this is equal to n
एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स, टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। नाउ टेक द कॉमन हियर एन एन प्लस वन, एन एन प्लस वन बाई सिक्स, एन एन प्लस वन बाई सिक्स। इन दिस केस एन एन प्लस वन बाई सिक्स, हियर बाई सिक्स इट मीन्स दैट थ्री एन प्लस थ्री एन प्लस वन, हियर रेस्ट थ्री एन प्लस वन, हियर सिक्स, हियर यन एन प्लस वन, ओनली रिमेन माइनस टू एन प्लस वन। We simplify here n n plus n n plus 1 by 6 and this is equal to 3 n plus 3 and this is equal to minus 2 n minus 1 minus 2n minus 1, so that this is equal to here n n plus 1 3 n n and 3 minus 1 2 n n plus 2 divided by 6. This is our result, sum of nth term of this series is n n plus 1 n plus 2 divided by 6. Now we study the some other methods, method of differences with the help of this we solve, yeah, we get the sum of n terms of the series here. Now here method of differences, some problems with the help of this. If t1 t2 minus t1, now we see that t1 t2 t3 t4, that is a terms of the series, and if t2 minus t1 or t3 minus t2 t4 minus t3 are in AP, it means the difference of two terms are in AP, then we write the direct n terms tn equal to an square plus bn plus c, and here abc are constant, determine the constant abc by putting an equal to 1 to 3. With the help of this we find direct the nth terms, then after that we calculate the sum of n terms of series. Now if the difference of these r in GP, then with common ratio r, then the nth term equal to, we take the nth term ar to the power n minus 1 plus bn plus c, determine the constant ABC by putting n equal to 1 to 3 in the Tn, and we find direct n terms. After that we calculate the sum of n terms of the series. If difference of the difference is step, it means that एक बार जो step का difference निकाले, फिर second time जो difference निकालते हैं, यदि वह AP में होता है, उस परिस्थिति में Tn का मान an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d लेते हैं, और फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a b c d बाय पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड अगेन इफ द डिफरेंस आर द डिफरेंसेस इज स्टेप आर इन gp, इट मींस दैट यदि टर्म्स का अंतर निकालते हैं, फिर दोबारा अंतर निकालता है, वह टर्म्स gp में हो, उस पोजीशन में हम nth टर्म डायरेक्ट
फार्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं, ए आर स्क्वायर माइनस वन बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए बी सी डी बाय पुटिंग एन इक्वल टू 1, 2, 3, 4। नाउ टेक द एग्जांपल एंड सॉल्व बाय जबल मेथड एंड एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड्स हियर। नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज हियर एज इन फर्स्ट प्रॉब्लम 1 + 5 + 12 + 22 + 35 + ... एंड सेकंड क्वेश्चन 5 + 7 + 13 + 31 + 35। हियर इज द दिस इज द सीरीज एज यू सी हियर। यह सीरीज जो है देखने से प्रतीत होता है कि यह एपी में नहीं है, जीपी में नहीं है, एचपी में नहीं है, और अभी हम लोगों ने इसके पहले जो है एन एट टर्म निकाले थे सम स्पेशल सीरीज के अंतर्गत, वैसे भी जो है उस टाइप का भी नहीं है। अब अभी हम लोग एक मेथड पढ़े डिफरेंसेस मेथड। नाउ इट दिस सीरीज कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस आर दिस, दिस इज विदाउट मेथड हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अज्यूम दैट वी हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ एन टर्म्स एस एन इक्वल टू 1 + 5 + 12 + ... 35 ... TN टर्म्स एन एन टर्म्स आल्सो वी टेक एस एन टर्म्स आल्सो एस एन एंड वी राइट दिस इन द रिवर्स फॉर्म। हियर शिफ्ट वन टर्म्स आफ्टर दैट वी स्टार्ट फ्रॉम हियर सो दैट TN कम्स हियर। नाउ इन दिस केस नंबर ऑफ टर्म्स n, इन दिस केस नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस वन टर्म्स। नाउ सबट्रैक्ट दिस Sn माइनस Sn इक्वल टू 0, 1, 5 - 1 इक्वल टू 4, 12 - 5 इक्वल टू 7, 22 - 12 इक्वल टू 10, 35 - 22 इक्वल टू 13, ... दिस टर्म Tn माइनस Tn माइनस वन एंड माइनस Tn। आफ्टर दैट दिस Tn इज द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज सो दैट दिस कम्स हियर पॉजिटिव एंड दिस इज द फर्स्ट टर्म। इन दिस केस नंबर ऑफ टर्म्स इज n माइनस वन टर्म्स बिकॉज इट है n टर्म्स, इट है n माइनस वन टर्म्स, हियर n माइनस वन टर्म्स एंड 4, 3, 7, 7, 3, 10। दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी सो दैट वी अप्लाई द फार्मूला हियर द सम ऑफ एपी एस एन इक्वल टू एस एन इक्वल टू एन बाय टू अंडर टू बार ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हियर सो दैट Tn comes here and this is sum of n minus 1 terms, n replaced by n minus 1 because it has n minus 1 terms, n minus 1 by 2, 2a, 2 into a equal to 4 plus n, n replaced by n minus 1, minus 1 and 3 is the common difference. So we apply the formula here and now 1, n minus 1 by 2, 4 to the 8, 3n - 3 to the 6, now 3n, 8 - 6, 2, and this is this, and after that we take common 2, 2, and this is multiply here 3n² - 2n - 3n - 2, now 1/2 here and 3n² - n and 2 and 2 cancel. Now sum of this is the nth term of the series, nth term half 3n² - n so that Sn is equal to sum of n terms equal to k is equal to 1 to n tk
इट मीन्स दैट टीचर इज दिस ही आर पुटिंग थ्री एन इज थ्री के स्क्वायर माइनस के एंड नाउ थ्री बाई टू समेशन ऑफ के इक्वल टू वन टू एन के स्क्वायर एंड दिस इज माइनस हाफ के इक्वल टू वन टू एन के नाउ दिस इज ए के इक्वल टू वन टू एन के स्क्वायर मीन्स वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर एज यू नो दैट समेशन ऑफ दैट इज एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स दिस इज थ्री बाय टू एंड के इक्वल टू वन प्लस टू प्लस थ्री सो दैट एन एन प्लस वन बाय टू नाउ वी टेक कॉमन एन थ्री टू जा सिक्स टू टू जा फोर सो दैट एन एन प्लस वन बाय फोर हियर टू एन प्लस वन एंड दिस इज टेक कॉमन माइनस वन 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 कैंसिल टू एन टू कैंसिल दिस सो दैट एन 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 स्क्वायर एन एन प्लस वन बाय टू दिस इज द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज नाउ also we solve this question with the help of this I will write the rule difference of the terms 5 minus 1 4 12 minus 5 7 22 minus 12 10 35 minus 22 13 after that we see this is AP or GP if this is AP it is in AP so that n terms of given series are given that we write tn is equal to an square plus bn plus c I just write here and if this is jab yeh agar gp mein rehta us position mein ar ke power n minus 1 bn plus c likhte now here putting n is equal to 1 2 3 we get t1 is equal to here n is equal to 1, 1, and a plus b plus c, t1 is equal to a plus b plus c, and a plus b plus c equal to, equating the first term of this, putting n is equal to 2 here, now putting n is equal to 2 here, and equating 5, and further 12, solving this we get a, b, and c, and putting the value of this in this form you get tn equal to 3 by 2 n square plus minus half n this and this is the same thing after solving we get the our answer please like and subscribe and share with your friends thank you